त्र्यंबेज की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी अपन मांगत फल पावे त्र्यंबे गौरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रामनवमी, तो सबको अ वेरी हैप्पी रामनवमी। तो एक दिन पहले हम लोग डीमार्ट गए थे, उसका ब्लॉग आ चुका है, आप जाके देख लीजिएगा, वो दिन में आया है। तो ये सामान था जो मैंने स्प्रे कर दिया था और ये मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था, और अब जो ये सामान है वो मैं जमा रही हूँ। तो ये कुछ मैं राशनिंग करके आई थी, और जो भी सामान है मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया है, बहुत मस्त शॉपिंग करी थी हम लोगों ने। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे घूम घूम के एंड बात कर करके शॉपिंग करी है, तो मेरे लिए वो पहला एक्सपीरियंस था लाइक इस तरह से व्लॉगिंग करने का। तो अभी मैं कर रही हूँ बेड रेडी, और पता क्या है, मेरे को पूजा करनी थी और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। एक्चुअली मैं दिनों मुझे टाइम ही नहीं मिला, डुगू जो है ना उसके बहुत काम रहते हैं, और कल डुगू मेरे उसमें भी नहीं आया, संभाल रहा था। संडे था, राजा ऑफिस गए हुए थे, और ये जो है ये सोने को तैयार नहीं था, तो अभी भी नहीं सो रहा था। तो मैंने इसको इसके वॉकर पर बैठा दिया है, और ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा मस्त रहता है, तो मुझे लगा कि इसको इसको पहले खाना कुछ खिला दिया जाए। तो मैंने इसे फर्स्ट टाइम इस तरह से केला दिया है, वैसे मैं इसे दूध केला देती हूँ, ही लव्स दूध केला, एंड ये इस तरह से भी इसे बहुत अच्छा लग रहा था। बस हाँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बाइट देखी, एक्स्ट्रा बाइट मार लेता है, विच इज़ डेंजरस, बट केले से दिक्कत नहीं होती है। फटाफट ले लीजिए और उसे थोड़ा सा अपने हाथों से मैश करके दे दीजिए, तो थोड़ा सा ख्याल से खिलाएंगे ना तो बच्चा खा लेगा। तो डुगो के सामने के सात दांत आ गए, तो बहुत ईजिली कट कर लेता है किसी चीज़ को भी, बट पीछे के जो है मोलर्स वो नहीं आए, तो उसके कारण चबा इतने आराम से नहीं पाता है। तो कुछ भी जो है वो थोड़ा सा तकलीफ होती है उसे देने में, पर मैं उसे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा सेमी सॉलिड लाइक खिचड़ी थोड़ी दानेदार लाइक अब देने लगी हूँ। पहले मैं उसे सब कुछ पीस के दे रही थी, बट अब मैं उसे सब कुछ मैश करके दे रही हूँ, क्योंकि अब वो ना थोड़ा चबाने की हैबिट बनेगी बच्चे को, तो ना ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर इसकी आवाज़ आ रही है, ये खेल रहा है। लो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रामनवमी, मैं पूजा कर रही हूँ, और पता है क्या हुआ है, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी, पर पहले मैं पूजा कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आज डुगू बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा था मेरे। राजा ऑफिस गए हुए हैं, संडे है, पर राजा के जो ऑफिस का लड़का लाइक जो काम करते हैं वो आज छुट्टी पे है, उनके घर में पूजा है। पर राजा ने फिर मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजा घर पर भी रहते तो ऐसे कोई काम करते नहीं है कि उनका होता है। पर मेरे को बड़ी याद आई, राजा डुगू को बहुत आराम से बुला देते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने पहनी है ये साड़ी, और ये मेरी बैंगल्स है, तो वो सो रहा है, हम धीरे धीरे करेंगे लाइक पूजा कर रही हूँ मैं। पहले मैं सोच रही हूँ मंदिर डेकोरेट कर देती हूँ, और पता नहीं यार मेरी ना हर अल्टरनेट डे ना मंदिर की जो तस्वीरें हैं ना वो गिर जाती हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट कह रहे थे चिपकली गिरा देती है, पर पता सही नहीं होता है ना, तो बार बार मेरी मंदिर की तस्वीरें ना गिर जाती हैं। मतलब दुर्गा जी की तस्वीर गिर गई मेरे घर में अभी, और वो जो है ना पलट जाती हैं तस्वीरें। करेंगे, मुझे पता चल गया है, तो कपड़ा चेंज करना था मुझे बहुत टाइम से, जो भगवान जी का आसन है, तो मैंने ये येलो वाला जो कपड़ा है ये लगाने वाली हूँ। और पता है आपको तस्वीरें क्यों गिर रही थी, यहाँ पे ना मंदिर में अंडे हैं और वो कपड़ों के नीचे दिए गए हैं, ये देखिए, पता नहीं वो कब आती थी, आई थिंक छपकली गई है, में अंडे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी कारण जो तस्वीरें थी ना वो गिरती थी, तो यहाँ पे अंडे हैं छिपकली के, पता मैं लोगों के घर में बहुत छिपकली हो रही हैं, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पर इन अंडों को मैं उतार के एक पेपर में रख देती हूँ यहाँ कहीं, या उनके बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, समझ में सच में नहीं आ रहा, तो मैं निकाल के रख देती हूँ, मैं ख़राब नहीं करूँगी अंडे।
क्लीन करिए और मैं चढ़ा रही हूँ चने, और चने जो है मतलब एक भोग बना रही हूँ भगवान जी का। तो कन्या जो है वो नीचे बैठ गई थी, तो एक जगह पे बैठ जाती है घर में, तो दो जगह पे नहीं बैठती, अच्छा नहीं लगता ना सिर्फ दो दो नेवे में। तो डुगू के लिए मैं सब स्पेशली जो है ये भोग बना रही हूँ, क्योंकि क्या है नौमी है और मेरा बच्चा छोटा है, पर उसका मेरे को कहते हैं ना लंगूर बैठता है। अब मैं कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए, स्पेशली मैं कर रही थी भोग और डुगू के लिए मैंने ये किया है। मेरी कमर में ना काफ़ी तकलीफ रहती है, पता है वो स्ट्रेट हो जाती है एकदम, ऐसे लगता है अकड़ी हुई कमर है मेरी, झुक नहीं पाती हूँ, ऐसी कमर रहती है मेरी। पर स्पेशली मेरे को लगा कि आज कुछ भी हो जाए मेरे को डुगू को जो है कन्या का थोड़ा सा भोग लगाना है लेक डुगू के लिए, तो स्पेशली मेरे बाल गोपाल एंड मेरे बेबी के लिए और जो रामनवमी का भोग निकलता है। तो यार मैंने जो चने हैं वो इस इलेक्ट्रिक कुकर में चढ़ा दिए हैं, ये जल्दी से ना जल्दी हो जाता है काम, तो ये मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर मैं अपनी एक रस्से वाली सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, टमाटर एक ख़राब निकला फिर मैं टमाटर काट रही हूँ, और जो सब्ज़ी है ना वो और जो पूरा खाना है वो बिना प्याज लहसुन का बनेगा यहाँ पे। तो मैं अभी जो है अदरक छील रही हूँ, तो कभी आप कोई बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हो तो आप उसमें अदरक डाल दीजिए ना, तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है टेस्ट में। तो अदरक को मैं कद्दूकस कर रही हूँ, या टमाटर कट गए हैं, दो हरी मिर्च मैं साथ में काट चुकी हूँ, और डुगू फिर से उठ गया था, तो ये जो था ये सोने को ही तैयार था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और राजा इज़ लाइक वेरी ईजिली सुला देते हैं ऐसे, और अभी मैं इसे पानी पिला रही थी, तो कभी कभी मैं इसको इसे सिपर में पिलाती हूँ, तो मैंने इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ला के रखी हुई है, और कटोरी में बहुत आराम से पी लेता है, तो मैं इसे हैबिट डाल रही हूँ, पता है कि इसे हर चीज़ की हैबिट हो जाए। और यहाँ पर जो मैं आलू है उसे पील कर रही हूँ, तो आलू बॉयल करके ही बनती है और आलू ऐसे करके भी बना सकते हो। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, बट बाद में मैंने इसमें चना डाल दिया था, तो ये आलू टमाटर चने की सब्ज़ी जो बनती है ना वैसी बन गई थी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, आलू को ना धो के छोटे छोटे पीसेस में ना काट के मैं पानी में भिगो दूँ, क्योंकि अभी पहले मसाला भुनेगा, आलू काले ना पड़े इसलिए मैं इसे पानी में काट रही हूँ। एकदम छोटे छोटे पीसेस जो है वो करने हैं आपको, तो जल्दी गल भी जाएंगे और ईजिली थोड़े मैश हो जाते हैं, तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी जैसे मैश हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो इसलिए जो आलू है वो मैं पानी में काट रही हूँ। तो आलू कटने के बाद जो है मैं कुकर चढ़ा लूँगी, तो इसे मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं डालूँगी जीरा, आप खड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम भी होने लगा था, और जो डुगू है ना उसके साथ जितनी जल्दी मैं कर लूँ उतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैं जो जिंजर कसी थी वो डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी, टमाटर डाल दिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलने देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले। तो इसे आलू का झोल बोलते हैं, पता आलू का झोल जो है उसमें उबले आलू भी डलते हैं, उबले आलू जो रहते हैं ना वो थोड़ा सा मैश करके पानी डाल के उसमें मसाला डाल के फिर बनते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर है वो भुन गए हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाल मिर्ची और धनिया पाउडर और नमक डालूंगी, एंडिंग में कसूरी मेथी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना है डाल लीजिए, धनिया डाल लीजिए। तो ये जो है यहाँ पे मैंने आलू भी डाल लिए हैं, और चने जो वहाँ उबल रहे हैं, तो बाद में जब ये सब कुछ उबल जाएगा लाइक ये भी बन जाएगा उसके बाद हम चने से मैश कर देंगे, तो ये जो है आलू और चने की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद जो कुकर है उसे बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई, तो गीली सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि सूखे चने हो जाते हैं और हलवा हो जाता है, और पूरी भी चल जाती है, पर राजा को अच्छी लगती हैं ये सब्ज़ियाँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हलवे की तैयारी कर रही हूँ मतलब, तो यहाँ मैंने घी डाल लिया है और सूजी डाल रही हूँ। तो इसमें मेरे को लगा था आटे का बनाती हूँ, फिर मेरे को लगा आटे का अगर डुगू को थोड़ा बहुत भी खिलाऊंगी तो हो सकता है उसके मुँह में चिपक जाए, तो इसलिए मैं सूजी का बना रही हूँ। सूजी का वो उपमा खाता है, सूजी का वो खीर खाता है, तो उसमें मैं जो है एकदम हल्की हल्की सी जैसे गुड़ का हो गया पाउडर, या फिर आप डेट्स भी ले सकते हो। तो डुगू के जो लाइक बेबी के जो खाने की वीडियोस है ना वो मैं लेके आ रही हूँ, एक एक वीडियो में पांच पांच रेसिपी कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को लोग बोल रहे हैं कि आप शेयर करो शेयर करो, और जो पूरा रूटीन है वो भी बहुत जल्द शेयर करती हूँ, पर मेरे को ना टाइम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, आप समझ सकते हैं एकदम, आई थिंक मेरे को बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे कि अकेले जो रहता है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी
मैनेज हो जाता है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो चने हैं वो मैं उतार रही हूँ इसमें, तो ये थोड़ा गर्म था तो मेरे को लगा ऐसे उतार लो, तो इससे मैं जो चने का पानी वो अलग कर करके जो चने हैं वो मैंने निकाल लिए। उसके बाद साथ में मैं फालूदा भी चढ़ा रही थी, तो ये जो है फालूदा मिक्स मैं डीमार्ट से लाई थी। अभी मैंने टेस्ट मतलब खा के ही देखा हम लोगों ने, मैंने इसे कल बनाया था, अभी तक हम लोगों ने नहीं खाया, तो टेस्ट वाइज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने फालूदा मिक्सचर रख दिया है, तो इसे 15 से 20 मिनट पकाना है। और यहाँ पर मैंने जो हलवा है वो भी चढ़ वो उसमें पानी डाल दिया, एंड देन शुगर डाल के हलवे को थिक कर लेना है, और ये वाला जो काम है ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हलवा रेडी हो गया, साथ में मैं चने बना रही हूँ, तो चने भी बिना प्याज के हैं, तो यहाँ मैंने जीरा डाला है। और जो मसाले हैं ना वो मैं तेल में पहले भूनूंगी, लाइक लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक ऊपर से डाल लेंगे, अमचूर पाउडर, गरम मसाला ऊपर से डाल लेंगे। तो बस ये जो चने हैं ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। और पता है ये जो खाना जितना सादा रहता है उतना खाना टेस्टी होता है। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर और वो क्या बोलते हैं गरम मसाला भी डाल लिया, और ये हमारा जो फालूदा है वो भी हो रहा है तैयार। और अब देखते खाते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं सब्जी है वो भी तैयार होगी, मैंने इसमें चने डाल लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इंस्टेंट आपका सब्जी का टेस्ट चेंज करती है, तो कभी आप आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हो तो कसूरी मेथी डाल लीजिए उसमें। उसके बाद फिर मैं जो पूड़ी है वो सेक रही हूँ, और ये कढ़ाई भी मैं डीमार्ट से लाई थी, ये स्टील की कढ़ाई है, इसमें थोड़ा जल्दी खाना बनता है, पर हाँ इसमें खाना जल रहा था, लाइक सब्जी वगैरह जो है उस पर एकदम अटेंडिव रहना पड़ेगा, लाइक तो सब्जी वगैरह जो है ना उसमें जल रही है, तो जब सब्जी बनाओ तो एकदम अलर्ट रहो अदरवाइज चिपक जाएंगे। तो अभी मैंने इसमें पूड़ी तल ली थी, मैंने एक दिन दाल बनाई थी इसमें, लाइक दाल छौंकी थी। और यहाँ पे जो है पूड़ी मैं उतार रही हूँ, पूड़ी भी जल्दी से कर रही हूँ, और उसके बाद थाली लगा रही हूँ। पहली थाली जो है वो कृष्णा जी को पहले मैं इससे भोग लगाऊंगी, और कृष्णा जी के बाद हमारा जो बेबी है वो, और कन्या जो है नीचे जम चुकी है जैसे मैंने आपको बताया, तो एक घर से ऐसे जाती हैं बार बार। ये क्या होला है? अरे कोला है दुकु की पेलोले। ये कौन बोला? ओले अरे अरे इस साइड से। लाकड़ा बोलते हैं ना बच्चा जो रहता है लड़का एक बैठता कन्याओं के बीच में, तो कन्या तो जम गई थी नीचे, पर मेरा लाकड़ा रह गया था, किसने प्रसाद नहीं खाया था, तो मैंने इसके लिए बना दिया, क्योंकि घर में एक ही जगह पे कन्या जमती है, इसलिए तो मेरे लाकड़े ने खाना खा लिया, प्रसाद खा लिया। अगली बार से लाइक नेक्स्ट टाइम से तो ये बैठ के आराम से खाएगा, है ना, आराम से बैठ के खाएगा। अभी तो पूरा ऐसे निकाल निकाल के खा रहा था, ये क्या बोल रहे आपको, पर अच्छा लगा नहीं आ रहा था, और मैंने इसलिए इसको उसकी लुंगी पहना दी, और ये ऊपर का जो था ये ऐसे ही रहने गया, क्योंकि अनकम्फर्टेबल हो जाता। चले पापा अब जो ये छिपकली के अंडे हैं, राजा कह रहे हैं कि रखे रहने दो यहीं पे, कि देखते हैं कि वो लेने आती है या नहीं आती है। आपको क्या लगता है आएगी? मेरे को ये डर है कि वो छिपकली के बच्चे पैदा होके पैदा से अंडे फूटे ना मिले हमें। अच्छा छिपकली अंडे सेकती है? आप बताइए क्या छिपकली अंडे सेकती है? और आप ये देखिए मैंने यहाँ पे, राजा तुम देखो कैसे मेरे कान छिदे हुए थे सेकंड वाले। हाँ अरे
तो ये क्या लगा लिया? ये शहडोल में थी ना, तो लगाया नहीं, मैंने बाली पहन लिए। अच्छा, पीछे। अरे तो ये छेदे हुए। अब ये ऐसे लाइन से खूब सारे क्यों नहीं छेदवाती है? मैं छेद दूंगा आपको। एक लाइट चला दो। तो डुगुआ कर दिया, वो सोया पड़ा, पता वहाँ पे वो चल रहा है, बंदर ने खोले वो, उसने खाया, उस पर गाना सुना और थोड़ा सा हलवा खा लिया था, पूड़ी भी उसने चख ली और केला बड़े अच्छे से खाया उसने, केला खाते हुए केला खाया उसने, ठीक है। और फिर बस यही है और हो गया इसका। और परसों आ जाना, हम लोग जा रहे हैं इसके स्कैन के लिए। 21 तारीख को इसके इंजेक्शन की डेट है, उससे पहले स्कैन कराना है, तो हम लोग जा रहे हैं परसों, मंडे। आज संडे था, ज़्यादा गए हुए थे ऑफिस, कल इनको ऑफिस का ही काम है, एंड फिर बोल रहे हैं ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट ले लेंगे, हनुमान जी का भी दिन है तो अच्छा रहेगा, तो हम लोग उस दिन जाके जो है इसका स्कैन करा देंगे। और काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, और जिस टाइम हम लोग गए थे ना उस टाइम ये छोटा था, दो बार से, एक बार तो बहुत ही छोटा, 1.5 महीने का था ना, और जो दूसरी बार गए थे तब भी बहुत छोटा था, अभी थोड़ा सा समझने लगा है, तो वही हम लोग को लग रहा है कि लेटेगा कैसे राजा ये, तो लटा के कैसे रखेंगे, मशीन पकड़ेगा, रोएगा, मशीन पकड़ेगा, वो करेगा, वो करते हैं, इस बार देखना पड़ेगा, इस बार थोड़ा सा हो रहेगा कि उसका स्कैन जो है वो होना है। तो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे आपसी में कि राजा अपने ऑफिस के जो है लड़के उनसे बोल रहे थे कि आज की डेट में हमारे पास कितना भी पैसा हो जाए, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, पैसा सब कुछ नहीं खरीदता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पैसा ज़रूरत है इंसान की, ये भी नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी ज़रूरी है, इंसान की ज़रूरत है पैसा, पर पैसा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीद सकता, एक हैप्पीनेस, एक सुकून, और हमारे केस में तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती उससे। हम जो ही बोल रहे थे कि आज के डेट में अगर कुछ ऐसा होता, अगर वो चीज़ क्योरेबल होती, तो हम लोग पास जो भी है हम लोग सब कुछ लगा देते, जो भी होता, पर कहते हैं ना कि पैसे से आप क्या खरीद सकते हो, बेड तो खरीद सकते हो, लेकिन नींद कहाँ से खरीदोगे, नींद नहीं खरीद सकते। तो वही हम लोग की थोड़ी सी बात चल रही थी। और ये थोड़ा सा है, इसका स्कैन इस बार थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि इंजेक्शन एक बार लगा था, इसके बाद डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला था एक जो इंजेक्शन इसका अप्रैल में, उससे पहले आके आप करा रहे हैं ना, 9 महीने में होगा, उसके बाद फिर 1 साल के बाद से एक एक साल में होने लगेगा, मतलब फिर 1 साल में होगा, लाइक एक डेट होगी आपको जब 1 साल में कराना है, फिर दूसरा साल जब होगा तब कराना है, फिर 3 साल, तो अब पूरे 12-12 महीने का गैप रहेगा, अभी 3-3 महीने का गैप था। तो वही है बस लाइफ है यार, लाइफ के साथ आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि अभी लाइफ में क्या होने वाला है, बस ये है। इसलिए ना कभी किसी को भी दुख मत दो कि आप किसी को दुख दे रहे हो या कुछ दे रहे हो, अपनी तरफ से सब कुछ करो, और उसके बाद भी अगर जो सेकंड पर्सन है आपको रिस्पांस नहीं देता, तो फिर उसके बाद आप सब छोड़ दो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना अच्छा करो ना बुरा करो, बस अपनी लाइफ में रहो, किसी के साथ बुरा मत करो, बस वही है। मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था, कल परसों जाना है, तो वही है यार, पता नहीं, खुशी तो दी भगवान ने, वही है, खुशी तो दी, पर एक था जो मेरे को लगता है कि काश मैं अपनी लाइफ में कुछ बदल सकती तो शायद वो जाके बदलती। और जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ, मैं इस बारे में सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ उस रात को मुझे नींद नहीं आती है, और जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं ये है कि बहुत स्माइल लाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, पर कुछ लोग ऐसा होता है कि स्माइल रह नहीं पाती है, कि होता है ना, आपने एक चीज़ की ख्वाहिश करी थी बहुत टाइम से, फाइनली आपको वो जो है बंदा या आपकी लड़का या लड़की जो भी आपकी लाइफ में आया, एंड आपकी लाइफ में होने के बाद फिर ये हुआ। पता क्या है, हम लोग जैसे है ना, आप जैसे बात करते हो, मैं आज से बहुत आगे की सोचती, बहुत आगे की, मेरा से कही थी कि जाएगा जब पढ़ने जाएगा, बाहर जाएगा, मैं अभी हॉस्टल में रही हूँ, तो क्या होता है ना, पेरेंट्स से ना एक तरह से एक जनरेशन गैप आ जाता है, और थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी आपकी चली जाती है, बच्चा आगे चल के क्या कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम है, और अगर उसकी लिए कुछ है और उसकी लाइफ में उस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम बहुत आगे की सोच रहे थे, बहुत आगे की, पर तब तक उम्मीद है कि 20 साल बाद कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ आ जाए इस चीज़ों के लिए, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो बस ये सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, तभी मेरे को आज लग रहा था कि आज नौमी है,
और एक लड़का बैठता है कन्याओं के बीच में और डुगू नहीं बैठा था, तो मुझे वो ही लग रहा था कि इसके लिए मैं कर देती हूँ। नया घर होगा तो वहाँ पर मैं कन्या जमाना शुरू करूँगी। अभी फ़िलहाल बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं अकेले जमाती, और एक घर में जमती भी नहीं है ना, दो जगह पे कन्या नहीं जमती है ऐसा बोला जाता है। हम लोग क्या बोला जाता है, आप लोग क्या नहीं मानो, अच्छा भी लगता है मैं जाती हूँ, फिर लोगों को लगता है कि देखो अलग अलग भेज रहे हैं। तो बस यही सब चीज़ें। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी, थोड़ा सा इमोशनली डाउन है अभी मेरे ना, दो तीन दिन हम लोग के डाउन रहेंगे। पर राजा थोड़े से ऐसे रहते कि राजा बोलते कि मत सोचो, पर सोच लेते हैं क्योंकि माँ हूँ ना मैं। और राजा आप अपने इमोशंस दिखाते ही नहीं, राजा तो हमेशा ऐसे रहते एकदम नहीं दिखाने इमोशंस। राजा इमोशंस दिखाएंगे तो, और पता है मेरे साथ इमोशनल कौन है, राजा पीके। हम लोग देखते पीके मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो सीन है ना एक, जब वो एंडिंग में मिलते हैं है ना, फोन करता है जब, और ये उस सीन में जितनी बार वो सीन आता है मैं राजा को देखती हूँ, मतलब क्योंकि कई बार पिक्चर आती है आप देखते हो रिपीट करके, जितनी बार वो सीन आती है मैं राजा को देखती हूँ और राजा की आंखें भरी हुई रहती है। राजा इतने इमोशनल है, कुछ चल रहा है तो राजा रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन कि आंखें भर जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे करके रोते, आंखों से आंसू आने लगते हैं नहीं। और मैं नहीं रोती, मैं एकदम नॉर्मल ऐसे बस की मैं देख रही हूँ, मैं इतनी वो नहीं हूँ, पर मेरे को बस ये कि सब सही रहे। चलिए मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और सबको हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी, बाय।